घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाथों और पैर के तलवों में ज़्यादा पसीना आने की बीमारी का बहुत ही आसान और घरेलू उपाय। दोस्तों, पसीना आना शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये शरीर को उसके सामान्य तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन कई लोगों के हाथों और तलवों से बहुत ज़्यादा पसीना आने की शिकायत होती है। अगर आपके हाथों से, आपके पैर के तलवों से नॉर्मल से ज़्यादा पसीना निकलता है तो आप किसी बीमारी की चपेट में हैं। वैसे तो गर्मियों के समय हमारे शरीर से पसीना निकलना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सर्दियों के समय हाथ और तलवों से पसीना आना या फिर किसी खास स्थान में पसीना आता है तो ये आपको हाइपरहाइड्रोसिस नाम की बीमारी है। हाइपरहाइड्रोसिस से ग्रस्त लोगों में पसीने की ग्रंथि बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, तो दोस्तों इसी वजह से हाथों में और पैरों में पसीना आने की शिकायत होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं ये बीमारी क्या है और इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हाइपरहाइड्रोसिस है क्या। हाइपरहाइड्रोसिस दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में कोई कारण नज़र नहीं आता है और बेवजह पसीना आता रहता है जिससे कोई समस्या नहीं होती है, और सेकेंडरी में पसीना निकलने के बहुत सारे कारण सामने आते हैं। आपको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है जैसे कि मधुमेह, मेनोपॉज, लो ग्लूकोज या हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपको ऐसी समस्या है तो सचेत हो जाइए जिससे कि ये बीमारी ज़्यादा ना बढ़ पाए और समय रहते ही आप इसका इलाज करवा सकें। लक्षण, जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है अगर उसे बिना तनाव या घबराहट के भी पसीना आता है, गर्मी ना हो फिर भी उसे महसूस होता है कि उसे पसीना निकल रहा है, इसमें इतना ज़्यादा पसीना आएगा कि कपड़े तक गीले दिखाई देने लगेंगे। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा पसीना शरीर के बाजू में, चेहरे पर, हथेलियों में और पैर के तलवों में ज़्यादातर पसीना आता है। आइए जानते हैं इसका बहुत ही आसान और घरेलू उपचार। इसके लिए बेकिंग सोडा सबसे उत्तम उपाय है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बेकिंग सोडा है और ये आपकी किचन में ज़रूर मौजूद होगा क्योंकि कई व्यंजन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको करना ये है कि आप एक खाली कटोरी ले लीजिए और आधा चम्मच उसमें बेकिंग सोडा डालिए और इसमें दो चम्मच पानी मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये आपका नुस्खा बिल्कुल तैयार है। बेकिंग सोडे के इस पेस्ट को अपने हाथों पर और पैर के तलवों पर अच्छे से लगाइए और मालिश कर लीजिए और 5 मिनट तक इसको ऐसे ही लगा रहने दें और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने हाथों को और पैरों को धो लीजिए। दोस्तों, बेकिंग सोडा पसीना आने की इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर देता है। 1 हफ्ते तक आप लगातार इसी तरह से इस बेकिंग सोडे को इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आपकी जो पसीना आने की समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताए गए नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।